हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने भूतिया बंगला के साथ सुकून ब्लॉगर में। तो चलिए आज दिन का वीडियो मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि दिन का देखते हैं क्या रहस्य है यहाँ का, जो अगल बगल का पड़ोस का लोग बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और सरस्वती पूजा का टाइम भी है। सो ये मेरा सिंदूर आप देख रहे हैं पूजा हुआ है। उससे पहले, अंदर जाने से पहले मैंने सिंदूर लगवा लिया क्योंकि डर भी मुझे लग रहा था कि उसे, इसीलिए मैंने सोचा कि सरस्वती माँ से पहले प्रार्थना कर लूं। तो वहां पे पूजा हो रहा था, उन्होंने सिंदूर लगा भी दिया है, सो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे मिलते हैं। तो गाइस पहले मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मतलब कि वीडियो ब्लॉगर है जो कि इतना सजा धजा है, तो यहाँ बगल में जब सरस्वती पूजा हो रहा था तो इतना तो होता ही है और शादीशुदा तो है तो सिंदूर वगैरह कंगन तो पहनना जरूरी है। तो चलिए भूत बंगला के साथ आप लोगों को दिन का ब्लॉग दिखाते हैं कि क्या यहाँ का सच्चाई है। तो आगे हमारे साथ ये कैमरामैन पधार रहे हैं पीछे पीछे, सो आओ आगे दिखाते हैं क्या सच्चाई है, कितना सच है कितना झूठ है। सो गाइस जो आप लोग देख सकते हैं यही भूतिया बंगला को मैं आप लोगों के साथ कल बताया कि क्या है यहाँ का सच। तो देखिए दिन में कुछ ऐसा ही दिखता है तो रात में तो डरावना दिखेगा ही। सो आगे ऊपर दिखाओ, पीपल का पेड़ है और दिन में नहीं रात में नहीं समझ में आ रहा था कि किस चीज का पेड़ है। शायद ऐसा लग रहा था विशाल इसका जड़ है तो लग रहा था कि बरगद का पेड़ है, सो नहीं पीपल का पेड़ है। और यहाँ पे लोग पूजा किए हैं, यहाँ पे बजस्त बगल में सरस्वती पूजा हुआ है। तो यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे पूजा भी लोग करते हैं, दिन में आते हैं क्योंकि देखिए कल रात में यहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगा हुआ था, आज दिन में देखिए झाड़ू भी लगा हुआ है। तो रात का सीन में कुछ ऐसा ही डरावना ही लगता है। सो इधर दिखाओ, तो ये देखिए हमारा जो ये खंडर है ना, वैसा कुछ भूतिया बंगला नहीं है, बस ये क्वार्टर है। इसमें अभी कुछ किसी को नहीं रहने के कारण ये टूट गया है, बिल्कुल बेकार सा हो गया है, तो डरावना लगता है। और इधर दिखा दो, और ये बिल्डिंग है जो मतलब कि ये शायद अंग्रेज के जमाना का होगा, हम लोग को किसी को नहीं मालूम है कि ये पहले से है। तो ऑलरेडी ऐसा ही है, इसमें कुछ डरावना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इधर दिखाओ यहाँ, और ये जो नया नया बाउंड्री देख रहे हैं ये सब डर भगाने का कारण ही इसे बाउंड्री से छेका जा रहा है चारों साइड से, क्योंकि हमारा पोस्ट ऑफिस का कॉलोनी है इधर, तो चारों साइड से छेका दिया गया है। और यहाँ पे लोग इधर आगे पीछे भी दिखाते हैं। और जो हम लोग को कल परछाई दिखा यही साइड था जो कि यहाँ पे परछाई कुछ ऐसा दिखा था, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई परछाई दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग रात में भी चारों साइड गए लेकिन दिखाई नहीं दिया, लेकिन वैसा फील हुआ यहाँ पे कुछ लड़की का बच्ची का छोटा बच्ची का परछाई दिखाई दे रहा था। तो इधर भी दिखो, और एक परछाई यहाँ वहाँ पे दिखाई दे रहा था जो कि अभी भी वहाँ, चलो आगे चल के दिखाते हैं। जो कल एक और परछाई यहाँ पे दिखाई दिया था हम लोगों को, यहाँ पे तो कुछ ऐसा सीन था मतलब बाल। और इधर दिखाओ, इधर देखिए कितना भयानक टाइप का दिखता है ना, तो डर तो लगेगा ही, पूरा छज्जी वगैरह टूट चुका है। और ये देखिए ये जो मैंने आप लोगों को कल बताया कि ये किचन था, तो रात में देखने में कुछ ऐसा डर सा ही लग रहा था, अभी दिन में देखिए यहाँ पे लोग नहीं रहते तो कुछ ऐसा हो गया, पूरा टूट गया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं 2-3 सेकंड देखिए कि ये बिल्डिंग कैसा दिखाई देता है दिन में और कैसा रात में, तो दोनों आप लोग देखिए। देखो ऊपर दिखो विशाल, विशाल तो ये है ना पक्षी विशाल, कितना बड़ा बड़ा देखो, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा ये बड़ा बड़ा जो क्या इसका नाम होता है, कौन सा पक्षी है नहीं पता। देखो कुछ ऐसा इधर दिखाओ, इधर देखो, देखो बड़ा बड़ा पक्षी उड़ रहा है, इसीलिए हो सकता है रात में यही सब रहते होंगे इसी कारण डर लगता होगा। इसमें उल्लू होगा ही, बिल्कुल होगा। देखो ऊपर देखिए जितना हो सकता है हमारे कैमरा मैन कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं जो ये जो पक्षी है ना इसी कारण डर लगता है रात में, थोड़ा आवाज करते होंगे मतलब कि सो नहीं पाते होंगे। लेकिन करते जी
ऊपर दिखाओ, देखो कितना बड़ा बड़ा पक्षी है ना, वही रात में भी आवाज करते होंगे, तो शायद इसीलिए लोगों को डर लगता होगा और इसे नाम दे दिया गया भूतिया बंगला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ साल पहले 8-10 साल पहले इसमें तो आदमी लोग रहते थे, 2 साल ही पहले 2020 की बात है, 2-3 साल पहले रहते थे। देखो कितना बड़ा बड़ा चिड़िया वगैरह है, क्या उड़ रही है, और हमारे कैमरामैन इतना मतलब ओवर स्मार्ट है कि देखिए कैप्चर करने का अच्छे से कोशिश कर। तो गाइस अभी हमारे कैमरामैन को अभी थोड़ा सा विराम करने के लिए दिए हूँ, तो आप लोग को ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे बच्चे देखिए, इधर से छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, सो आप लोग ये अगल बगल का पड़ोस का है, और उधर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं, सो तो वही लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे वही लोग बोलेंगे क्या, वही लोग नाम दे दिए हैं बस भूतिया बंगला, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे भूतिया बंगला। तो इधर भी देख लीजिए, नहीं कोई किसी को रहने के कारण, नहीं किसी का मतलब कोई नहीं रहता था, जंगल तो होना आम बात है, लेकिन आज दिन का सच्चाई यही है कि यहाँ पे भूतिया बंगला नहीं है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पक्षी जानवर है, उसे मैंने मेरे कैमरा मैन ने कैप्चर करने की कोशिश की है, सो आप लोग देखिएगा तो इसका सच्चाई पता चल जाएगा। तो इधर भी देखिए थोड़ा सा, और इधर देखिए बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा विशाल पेड़ रहेगा तो डर तो लगेगा ही ना। और इधर देखिए और लोग भी हैं यहाँ पे, और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे मतलब कि हम लोग 2-3-4 लोग हैं ना, तो इधर देखिए हमारी टीम है इधर, सो हमारी टीम प्रोसेस में है, किसी वर्क पे काम कर रही है, तो यहाँ पे देखिए काम चल रही है, हमारी टीम में काम करने में लगी है। सो मैं आप लोग यही भूतिया बंगला का रहस्य जानने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोग हंसो नहीं, वो लोग हंसते भी है क्योंकि हम ही लोग रात में हम लोग को डर भी लग रहा था। सो ये देखिए कैसा बिल्डिंग है, और जस्ट दोनों बिल्डिंग तो जस्ट अपोजिट में है, ज्यादा दूरी पे नहीं है, ज्यादा दूरी का फासला नहीं है। उस बिल्डिंग में जो उधर वाला बिल्डिंग है उसमें रहते हैं, जो सामने वो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो जो आप लोग देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा होगा, तो उधर आदमी रहते हैं, और इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहते हैं, 3-4 साल से नहीं रहते, तो ये तो मतलब खंडर बन ही गया है बिल्कुल भी, तो थोड़ा इसी कारण डर लगता है। तो चलिए और आगे कुछ कैप्चर करते हैं, दिखा दे हम आप लोगों को ये जो मैंने कल रात में सीन मेरे कैमरामैन ने कर रखा था, तो देखिए उन्होंने ये कैप्चर करने का कोशिश किया था कल, सो कि ये दिवाली जो है गिर रही है नहीं किसी को रहने के कारण, जो हम लोग भी कल, और अगर थोड़ी देर ज्यादा देर रह जाते तो हो सकता है हम लोग के साथ दुर्घटना घट सकती थी। और इधर जो हमारे कैमरामैन ने बताया कि इस बॉडी में सीमेंट है, इधर कुछ बालू है इस बॉडी में, तो यहाँ पे काम प्रोसेस शायद होने वाला होगा, लेकिन डर के कारण नहीं हुआ, सारा स्टॉप हो गया काम, मिस्त्री लोग भी डर गए होंगे, बिल्डर लोग जो, और यहाँ पे देखिए कितना भयानक सा टूटा हुआ है। और भी देखिए, और जो ये लोग हैं यही लोग बोलते हैं कि उधर मत जाइए, उधर भूतिया लोग रहता है, यही यहाँ का पड़ोस है जो कि बोल रहे थे कि इधर भूत बंगला है नहीं जाइए। सो आप लोग को अपने पड़ोस जो यहाँ बगल में रहते हैं वो पड़ोस को भी दिखा दिया मैंने कि यही लोग हैं कि साबित करते हैं कि इसमें भूत मतलब भूत लोग यहाँ पे विराजमान करते हैं। हाँ सो बता दूंगा, रात में तो आने से भयानक डर लगता ही है, जो कि हम लोगों ने भी महसूस किया, कुछ वैसा परछाई वगैरह तो डर लग रहा था। तो आप लोग खुद देख लिए ये सच्चाई क्या है नहीं है, तो आप लोग को मैं ये पूरा कोशिश किया जितना हो सके इतना पूरा कोशिश किया दिन का भी कैप्चर करने का, जो दिखा दिया यहाँ कुछ भूत प्रेत ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जहाँ पे भगवान हो, जहाँ पे भगवान जी का पूजा किया जाता है वहाँ पे भूत प्रेत तो आ ही नहीं सकता। यहाँ कल जो लोग है ना, खुद इंसान लोग ही मतलब कि अपने मन में भ्रम बैठा लेते हैं कि भूत भी होता, जहाँ पे भगवान हो वहाँ पे तो भूत प्रेत का नामो निशान नहीं हो सकता है। रात में आने से डर थोड़ा लगता है लेकिन दिन में ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारे कैमरामैन, चलिए अब आगे का काम प्रोसेस आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, तो चलिए मिलते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति हो वहाँ पे तो भूत प्रेत का नामो निशान हो ही नहीं सकता। हम जैसे आदमी लोगों को, इंसान लोगों में ही निगेटिव सोच आ जाता है जो कि भूत प्रेत ये सब का नाम दे देते हैं, खुद ही हम ही लोग जैसे इंसान ही दे सकते हैं। और ये देख लीजिए बरगद की, वो देखिए बजरंगबली है, बजरंगबली के सामने तो भूत का नामो निशान हो ही नहीं सकता, बजरंगबली जैसा इतना विशाल भगवान और ये छोटे मोटे भूत क्या आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आज भी दिन में इधर दिखाओ, इधर देख सकते हैं आप लोग कि आज भी दिन में यहाँ पे अबीर वगैरह से पूजा की गई है, 2 दिन पहले सरस्वती पूजा हुई यहाँ पे हुआ था, तो और आज विसर्जन का टाइम है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा किया गया है। और इधर दिखाओ यहाँ पे ये यह
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साफ सफाई भी होती है, जो कि कल रात में तो वैसा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दिन में देखिए, दिन में आकर लोग साफ सफाई भी किए हैं, जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं, इधर दिखो, इधर देख सकते हैं आप, नल भी है, जो इस नल से पानी लेकर लोग पूजा करते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं। तो इस नल से पानी आता है, कोई देखिए, इससे जल भी निकल रहा है, इससे पानी भी निकल रहा है, और ये पानी भी देखिए कितना क्लीन साफ है। तो इससे भगवान जी का पूजा होता होगा, हो सकता है कोई इंसान आते होंगे जिससे प्यास लगता होगा, हो सकता है पानी भी पीते होंगे। आप लोग को कल की बातें बताती हूँ, जो कल हम लोगों को दो परछाई दिखाई दिया, वैसा कुछ नहीं था, हो सकता है हम लोग जब जो चल रहे थे वो लाइट के फोकस के कारण हम लोग का परछाई दिखाई दे रहा होगा, इसी वो वैसा हम लोग समझ गया, हो सकता है कुछ आत्मा का साया है, या फिर कोई छोटी बच्ची, हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विशाल आदमी दिखाई दे रहे हैं, हम भी एक छोटी बच्ची के जैसा ही दिख रहे हैं, तो हो सकता है मेरे खुले बाल ही दिखाई दे दिए होंगे वहाँ पे और वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उधर देख लीजिए, उधर पड़ोस लोग हैं, वही लोग साबित करते हैं कि यहाँ पे भूतिया बंगला है, लेकिन ऐसा कुछ लोग गाइस वही लोग हैं कि यहाँ पे भूत बंगला का अफवाह फैला दिए हैं, आगे ऊपर करो अच्छा से नहीं आ रहा है, सो यही लोग अफवाह। सो गाइस यही लोग हैं जो बातों का पतंगड़ बनाने में है एक्सपर्ट, यही लोग, यही ये जो बिल्डिंग है ना, जस्ट अपोजिट में एक बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं। सो इन्हीं लोग के कारण हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया कि यहाँ पे सच में भूत प्रेत का साया है या नहीं। सो ऐसा सब पड़ोसी को यहाँ पे नहीं रहने का हक है, क्योंकि इन्हीं लोगों का बिल्डिंग है और इन्हीं लोगों ने भूत प्रेत का नाम दे दिया है। सो देख लीजिए, दिन में कुछ ऐसा ही सीन लगता है और रात में तो डरावना देखने में लगेगा ही, और यहाँ पे चिड़िया कुछ ऐसा ऐसा आवाज भी निकाल देते हैं कि उससे लोग डर जाते हैं, तो लोग नहीं आते। और जब देखिए हम लोग यहाँ पे दिन में वीडियो शूट, सो गाइस ऐसा बिल्डिंग हो जाने के कारण कुछ सालों से ऐसा बिल्डिंग और जो चिड़िया की आवाज है दोनों टकराती है, तो मतलब कि चिड़िया की आवाज है और कुछ पत्थर वगैरह टूट के खुद से गिर जाते हैं ना, तो दोनों की आवाज के टकराने के कारण यहाँ पे लोग डरते हैं और कुछ भूत प्रेत का नाम दे दिए हैं ऐसा। लेकिन दिन का रहस्य कुछ ऐसा सच्चाई निकला कि यहाँ पे भूत प्रेत नहीं आते हैं। और हम लोग जैसे ही अंदर आए हैं तो देखिए यहाँ के अगल बगल का जो पड़ोस का लोग हैं वो भी हमारे साथ आ गए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ये लोग भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि सच में कुछ है कि नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए इस ब्लॉग को अब हम एंड करते हैं यहीं पे।